फर्स्ट टाइम तो कहा था कोर्ट ऑफ करने कुछ फैसिलिटी मतलब नहीं आ पा रहे। सेकंड टाइम कहा तो कह रही कि 3-4 दिन में आना है। तो हम लोग 3-4 दिन एक महीना हुआ है अभी तक सैलरी किसी का नहीं आया। और हम लोग का यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत सारे घर पे, जब स्कूल हमारे यहाँ से घर से बहुत दूर है तो वहाँ से यहाँ आने में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। और रेंट रूम ये सब हम लोग का मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो कोई मतलब इशू नहीं है कि मतलब सैलरी का कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कोई मतलब डेट फिक्स कुछ मतलब पता ही नहीं है। सर के पास गए थे, डीसी के पास गए, 4 दिन का टाइमिंग ये था, 4 दिन के बाद आने को कहा था, कुछ इशू नहीं आया। और इसी तो कह रहे थे कि मतलब हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया अभी तक वहाँ से फंड नहीं आया। फंड क्यों नहीं आया, आप लोग का गलती, आप लोग मतलब वहाँ से फंड नहीं ला पा रहे, हम लोग को कोई इशू मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिला इसलिए। तो आप लोगों को अभी तक कितने महीने का सैलरी, अभी तक 4 मंथ हुआ सैलरी का कुछ भी नहीं मिला अभी तक यहाँ पे। और हम लोग को बहुत वहाँ पे घर का खर्चा, कुछ लोग तो इसी पैसे से मतलब कमाते हैं, बाकी कुछ लोग का मैरिज हुआ कुछ पता ही नहीं मतलब घर का पैसा कैसे कमाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मजबूर आना पड़ा। हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, हम लोग पहले हम लोग ऑफिस में गए थे पता कर गए, तब हम लोग आखिर में जब कुछ नहीं हुआ था हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट आए मजबूर होकर, इसी साथ से कि हमारे ये तनख्वाह टाइम पे आ जाए, हमें कुछ मतलब रिस्पॉन्स देना चाहिए इन लोग को। तरह शोर करके रोड ब्लॉक करके इलीगल रास्ता रोक के कोई फायदा नहीं है यार। आप 3 रिप्रेजेंटेटिव निकालो, मैं आपके साथ जाएगा वहाँ बात करेंगे। आ जाओ, एक बार मेरे साथ चलो। फाइल कहाँ पहुँचा हुआ क्या है, वो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ही पिछले 10 दिन से वहाँ पे बैठा हुआ है, वो वही प्रोसेस कर रहे, सिर्फ उसको एक डायरेक्टर ने हमको फौरन फोन किया, फौरन हमने फोन किया, हमने कहा भाई बच्चे सड़क पर आ गए हैं, भाई वो पैसा मांग रहे हैं, 3-4 महीने से उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इससे वो घर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा अभी के लिए कि डायरेक्टर साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आप लोगों के पैसे को लेकर के, क्योंकि केवल आप लोगों का ही सैलरी नहीं है बल्कि जितने भी हमारे केजीबीवी के जो स्टाफ है उनका भी सैलरी है, सैलरी किसी का नहीं आया है, मतलब केजीबीवी के भी हमारे बहुत सारे आउटसोर्स स्टाफ है, लेक्चरर से कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल्स में टीचर्स है, किसी टीचर्स का किसी आउटसोर्स स्टाफ का अभी तक बिल्कुल समग्र में जो सैलरी आना चाहिए उसका पैसा बिल्कुल अभी तक नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि अभी हमने आज डायरेक्टर साहब जो है वो दिल्ली में जा करके वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से उन्होंने बात किया है और उसमें ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द आप लोगों के जो सैलरी का पैसा है, न केवल आप लोगों का, केजीबीवी के आउटसोर्स स्टाफ का, हायर सेकेंडरीज के कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स का, हाई स्कूल में जो आउटसोर्स स्टाफ है उनका, केवल हिंदी टीचर का नहीं, सारे लोगों के उसके लिए पैसे का रिक्वेस्ट किया है। अभी 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 तक यही वो बात किया है, शायद पीछे हमने 2-3 दफा ये चीजें सीसी साहब के सामने भी हमने ये रखा है। सर कब तक आएगा सर, अभी मतलब क्या मतलब, मैं नहीं बता सकता हूँ जी यार, वही प्रोटेस्ट को क्यों ना यार, प्रोटेस्ट को क्यों ना, इस जगह वो गलत है ना, प्रोटेस्ट क्यों ना डायरेक्टर के ऑफिस के सामने करने से ठीक है, मन यार हम कहाँ करें, 5 महीने एक नॉर्मल इंसान विदाउट सैलरी नहीं रह सकते हैं, नॉर्मल में तो संभव था, अगर हम सोचे ना रोबोट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें आपका प्रॉब्लम पता है, सैलरी चाहिए आपके तरफ।
कहा आप लाचार है तो फिर हम क्या करें? जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लाचार है तो फिर कम कौन करेगा? आप क्या करेंगे? आप कौनसल नस्को तेरे सभी सारे सर, सबसे पहले मैं आप सारे मीडिया पर्सन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे यहाँ पे हमारे इश्यूज़ को देखने के लिए आए। ना हमारा डिमांड ये है सर कि जो हम यहाँ पे गेदर हुए आज समग्र शिक्षा टीचर्स फॉर्म, हम समग्र शिक्षा के टीचर्स हैं जिसमें हिंदी टीचर, उर्दू टीचर, बोटी टीचर और अदर सब्जेक्ट की भी टीचर्स हैं। तो पिछले जब से मार्च में हमें अपॉइंट किया गया है सर, तब से लेकर आज तक जो है किसी को एक रुपया भी सैलरी नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि 5 महीने से विदाउट सैलरी काम कर रहा है। अगर हम देखा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से, पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट 1936 के हिसाब से देखा जाए तो एक एम्प्लॉय को या एक लेबर को, वो चाहे गवर्नमेंट में काम करते हैं चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसको हर महीने के एंड में 7 दिन तक सैलरी मिलना चाहिए, अदरवाइज डिपार्टमेंट के ऊपर उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये कहते हैं कि पेमेंट एक वेज एक्ट 1936। तो अभी हमने यहाँ पे जमा हुआ, आपको अगर बताया जाए तो यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हर कोने से यहाँ पे टीचर्स हैं, कंट्रेक्चुअल टीचर्स, और विदाउट सैलरी एक सोच सकता है कि एक नॉर्मल इंसान एक दो महीना सैलरी नहीं होता है, उसका फैमिली सफर हो जाता है, यहाँ पे 5 महीने सैलरी के बगैर हैं। और यहाँ पे हमारे सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। जब आपके पास फंड्स नहीं है तो हमें लिया क्यों? वाई? अगर आप पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे समग्र टीचर्स को लेता ही नहीं तो हम सब अपना प्राइवेट काम करें या जो भी काम करें दूसरा काम कर सकता था। अब 20 सीजन में अभी जुलाई अगस्त है, अगर निकल जाए तो कहाँ जाए? अगर बैठे तो सैलरी नहीं है। अभी यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने ही है, यहाँ पे सीसी साहब था, यहाँ पे हम डिमांड कर रहे थे वी वांट जस्टिस, वी वांट अवर सैलरी ऑन टाइम, लेकिन सीसी साहब ने यहाँ से यहाँ आने की तकलीफ नहीं की। ऊपर से कह रहा है कि आपको काउंसिल आके बात करना है। यहाँ पे हमें पुलिस पर्सनल के जरिए यहाँ पे बताया गया कि आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट हियर विदाउट एनी परमिशन। तो हमने यहाँ पे कहा कि सर हम सीसी साहब से बात करेंगे, यहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, हम अपना हक मांग रहे हैं, पीसफुल काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने ये चीजें बताया। लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें कहा कि आप जाइए, जाके परमिशन लीजिए, फिर आप प्रोटेस्ट कर दीजिए। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं फिलहाल, तो अगर हमारी मांग्स या डिमांड्स सही तरीके से पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लीगली परमिशन लेके यहाँ पे जितना दिन भी हमें रहना पड़े हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि हमने मेहनत करके पढ़ाना है सर। हम यहाँ पे किसी का चोरी किया हुआ पैसा नहीं मांग रहे, 10 टीचर हम हार्ड वर्क करते हैं, दिन को हम 5-6-7 क्लास पढ़ाते हैं, यहाँ पे अपना हक का पैसा मांग रहे हैं। और दिखे उसे ना, यहाँ पे हमें डरा के धमका के जाता है कि आपने क्या किया, ये किया, आपको पता है ये क्या, हमें पता है, हमें भी पता है कि क्या कौन सा एक्ट क्या आता है, हमें भी पता है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। हम भी यहाँ पे कोई स्टूडेंट पेल्टिंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पीसफुली अपना डिमांड मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ले और कारगिल दोनों के समग्र टीचर्स और लेक्चरर्स सबको जो है अभी तक फंड्स नहीं आया है। तो हमने एमपी साहब से भी गुजारिश किया था, मैंने पर्सनली फोन किया था, सर आप मिनिस्ट्री से जाके बात कर लीजिए, अभी यहाँ पे कहते हैं कि फंड्स नहीं है, तो कौन देगा फंड्स? लीजिए भाई आपका फंड्स, ये तो कोई नहीं कहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से हमारे लीडर्स को बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, यहाँ पे इतने सारे लोग भूखे बैठे हैं, रियलिटी तो ये है कि किसी के सबका जेब खाली है, तो इसमें कोई टकी छुपी बात नहीं है, ये रियलिटी है। तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि मेहरबानी करके हम सबसे, आप सबसे, सीसी साहब से, डीसी साहब से,
डायरेक्टर एजुकेशन से, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एजुकेशन जाकिर साहब से और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हिज एक्सीलेंसी, हम सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करके हमारी गुजारिश सुन लीजिए, क्योंकि ये जो है कोई मजाक वाली बात नहीं है। किसी किसी को यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी। हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। ऐसा नहीं कि हम नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे पा रहे, पीछे से हमें इसका फंड्स नहीं आया, इसके लिए जो ग्रांट्स जो आने थे सैलरी का वो नहीं आया। शॉर्ट आउट करने के लिए अल्टरनेटिव तो कुछ नहीं है सर, क्योंकि ये सारे समग्र के तहत हमने अपॉइंट किया, तो समग्र से ही इनका पैसा आता है। जब तक समग्र से इनका सैलरी का जो पैसा पूरा नहीं आ जाता, तब तक हम इनको नहीं, हम रिक्वेस्ट अपनी तरफ से सीईओ ऑफिस के लेवल पे कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब भी दिल्ली में है, डायरेक्टर भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, मगर वहाँ से अभी तक पैसा नहीं। आप, उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराया कि आप जल्द से जल्द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इनका पैसा छोड़ देंगे, ताकि इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो और ये अपने अपने ड्यूटी के लिए चले जाए।